मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर सियासी रंग देखने को मिलेंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार आजादी के उत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी, साथ ही 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन दिवस भी मनाएगी, जबकि कांग्रेस अगस्त क्रांति दिवस के रूप में प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में वीडी शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के हर एक घर में बीजेपी तिरंगा फहराएगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही विभाजन की विभीषिका दिवस भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्री से लेकर पार्षद और सरपंच तक, शहर से लेकर गांव तक बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने में जुटेगा। हर घर तिरंगा अभियान का जो एक विगत कई सालों से खास तौर पर हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों से हमने हर घर तिरंगे का अभियान देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज को सहभागी बनाकर हर घर तक तिरंगा पहुंचाना और घर हर घर पर तिरंगा है, ये देशभक्ति का जज्बा अगर किसी ने पैदा करने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर इस अभियान को किया। जहां एक और बीजेपी बंटवारे का दंश झेलने वाले देशवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी, वहीं दूसरी ओर अगस्त क्रांति की तर्ज पर कांग्रेस एमपी में बड़ा आंदोलन करेगी, जिसमें प्रदेश के कई शहरों में वादा खिलाफी, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह अगस्त क्रांति नहीं बल्कि अध्यक्ष बचाओ क्रांति है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जो पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए कांग्रेस दिखावे के प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कोई अगस्त क्रांति नहीं, ये स्वयं का अध्यक्ष बचाओ क्रांति है। जो जीतू पटवारी बुरी तरह विफल हो चुके हैं, नाकारा साबित हो चुके हैं, अब उनको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये दिखावे वाले जो प्रदर्शन है उसमें ना कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं और जनता तो पहले ही मुंह मोड़ चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।